पिछले सेशन में हमने सनबर्न के बारे में जाना, सनबर्न क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं और क्या उपाय होते हैं। इस वीडियो में मैं उपाय लेके आई हूँ, यानी कि कुछ ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जो आप अपनी स्किन में टैनिंग, एजिंग, छोटी छोटी फाइन लाइंस या दाग धब्बे होते हैं या फिर जलन सी महसूस होती है, तो उन सबको इस होम रेमेडी से दूर किया जा सकता है। वीक में आप 3 से 4 बार यूज करके अपनी ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जो सिर्फ 3 ही चीजों से मिलकर बनी है और आपको अपनी स्किन का एग्जामिन करना है, यानी कि आपकी स्किन किस तरह की है, नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है। तो इसमें से आप कुछ चीजें स्किप भी कर सकते हैं और कुछ दूसरी चीजें इसमें ऐड भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आज पोटैटो का फेस पैक बनाएंगे हम ऐसा, जो आपकी फाइन लाइंस होती हैं, झुर्रियां होती हैं, पिगमेंटेशन होती हैं या अलग प्रकार के दाग धब्बे होते हैं और एजिंग या टैनिंग होती है स्किन के अंदर, वो सारी समस्याओं को ये जो फेस पैक है वो दूर करेगा। इसको आपको वीक में 3 से 4 बार यूज करना है। ये है आलू का फेस पैक। आलू होता है वो सबके घर में रहता है। आलू के अंदर वो सारी क्वालिटी है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, यानी कि आप पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, विटामिन B6 होता है, इसमें इतनी सारी क्वालिटीज होती हैं कि आपकी स्किन को बेदाग बना करके एकदम चमकदार बना देगा। चलिए अपन इस होम रेमेडी को बनाते हैं। जब तक मैं इस होम रेमेडी को बनाती हूँ तब तक आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं पे भी कुछ स्किप ना हो जाए इसके लिए आप वीडियो को पूरा वॉच करें। एक आपको छोटा आलू लेना है, या लेना है जो भी फेस पैक बनाए आप गर्दन और फेस दोनों पे अप्लाई करें, तो आपको छोटा ही लेना है क्योंकि आलू के ज्यादा ड्रेस की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है। इसको आपको पील करना है, छीलना है। छीलने के बाद आपको इसको कद्दूकस करना है। किए हुए आलू को आपको किसी मोटे कपड़े से या इस तरह की मोटी चलनी से आपको इसको छानना है। अब जो ये गुद्दा निकला है इसको भी आप अपनी स्किन पे, हाथों पे या पैरों पे, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं हल्का सा नींबू मिला करके। इसके अंदर आपको नींबू निचोड़ना है, सिर्फ कम मात्रा में। मैंने आधा नींबू लिया है लेकिन आपको आधा नहीं लेना है, आपको 2-4 बूंदे ही डालनी है। आलू और नींबू मिलकर के ब्लीच का काम करते हैं और स्किन में व्हाइटनिंग लाते हैं। अगर थोड़ा सा आपको शहद मिलाना है इसमें ताकि ड्राइनेस नहीं लगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप नींबू को स्किप कर सकते हैं और इसमें शहद मिला सकते हैं। शहद नहीं है तो आप आलू के रस के साथ में आप दूध मिला सकते हैं, दूध और शहद दोनों भी मिला सकते हैं। और स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो सिर्फ आप आलू का रस और नींबू का ही यूज करें। आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप इसको इस कॉटन की सहायता से फेस पे लगाएं और नेक पे भी लगाएं। को लगभग 15 मिनट रखना है और 15 मिनट के बाद में अच्छे से आपको गीले हाथों से इसको थपथपा के और फिर वॉश कर लेना है। फिर आपको जो भी मॉइस्चराइजर या क्रीम आप डेली लगाते हैं उसका इस्तेमाल करना है। ये वीक में 3 से 4 बार आपको इस्तेमाल करना है और इसके बाद आप खुद ऐसा पाएंगे कि आपकी स्किन एकदम से ग्लोइंग और खूबसूरत हो गई है। आज की होम रेमेडी आपको कैसे लगी? इसको आप वीक में 3 से 4 बार जरूर यूज करें। जो भी आपके सनबर्न संबंधी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आगे की सेशन में सनबर्न से संबंधित और भी होम रेमेडीज चलेंगी, जो भी आपकी स्किन पे सूट करता है उसको आप अप्लाई कर सकते हो और डेफिनेटली किसी प्रकार का इससे साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ नहीं है। तेल में आपके किसी चीज से कोई एलर्जी है तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, यूज ना करें। ऐसी किसी नई होम रेमेडी के साथ में नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।